देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने किया खुलासा, पौंड देहरा डिवीजन में हुआ करोड़ों रुपए की घोटाला। रोड सेफ्टी इक्विपमेंट की खरीद में हुआ घोटाला। तारांकन, पौंड बांध विस्थापितों के हक में आए एमएलए, केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तारांकन एचआरटीसी को रोडवेज बनाने की भी दी जयराम सरकार को सलाह। तारांकन, देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने आज जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस देहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पौंड देहरा डिवीजन में रोड सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद में घोटाले के आरोप लगाए हैं। विधायक ने इस घोटाले का मंडी कनेक्शन बताया और सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं होशियार सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे पर भी चर्चा की जो शीतकालीन सत्र में उठाए गए थे। वहीं पौंड बांध विस्थापितों के मुद्दे पर भी केंद्र व राजस्थान सरकार को घेरने की बात की है। होशियार सिंह ने कहा कि मैंने सदन में एचआरटीसी को घाटे से उबारने का सुझाव भी दिया है। होशियार सिंह ने कहा कि एचआरटीसी को अब रोडवेज बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीस मील वकर भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। होशियार सिंह ने कहा कि एचआरटीसी डिपो में निजी बसों की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके और एचआरटीसी घाटे से उबरेगा। इनको वेरीफाई नहीं किया तो ये हमने पर्दाफाश किया है और करोड़ों की सौगात जो लूटी गई है उसके बारे में हमने जो है सरकार को बताया है। तो ये बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था कि आज हमारे देहरा विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ जो है विधानसभा में गूंजी, हमने लोगों की आवाज़ उठाई। वहाँ समय कम था, एक दिन में सिर्फ दो प्रश्न लगते हैं एक विधायक के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो हमारे 10 प्रश्न लगे और हमने रोज़ सरकार को जो है अपने देहरा के जो भी कमियाँ है उसके बारे में अवगत कराया और सरकार से उसका जवाब लिया। अब आने वाला बजट सेशन है जो लंबे समय तक चलना है, तो उसमें भी हम जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे। और देहरा में मुझे सबसे बड़ी जो सौगात मिली है वो मिली है आईपीएच द्वारा, और आईपीएच में मुझे एनडीबी के जरिए जो है 0.75 करोड़ रुपया मुझे मिला है 18 पंचायतों के लिए, जो हरिपुर से लेकर खवड़ी तक की जो पंचायतें हैं मेरी, 18 पंचायतों को इसका पानी का बेनिफिट मिलेगा, जो इसका टेंडर हो गया, अवार्ड हो गया और बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। साथ ही 9.5 करोड़ रुपया मुझे मिला ज्वाली ब्लॉक में, मेरी जो पंचायतें पड़ती है वो पड़ती है लुधरेट, बिहाड़, नंदपुर व सखरी कटोरा एरिया, उसके लिए भी मुझे 9.5 करोड़ रुपये जो है मिला है, जिसका भी टेंडर हो गया और कार्य शुरू हो रहा है। साथ ही मैं पीर बिंदली स्कीम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ये दूसरी बड़ी सौगात जो हमें मिली है। तीसरा, हमने प्रश्न लगाया था कि उत्कृष्ट कॉलेज डिक्लेयर किए गए थे तो कई कॉलेज जो थे उनको उत्कृष्ट कॉलेज का दर्जा दिया गया, 27 डिग्री कॉलेजेस को उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा दिया गया पूरे राज्य में, और हमारा और उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपये देने की बात हुई थी, तो हमने ये पता किया कि किन लोगों को पैसे दिए, हमको क्यों नहीं दिए थे। तो हमारा ढलियारा डिग्री कॉलेज जो है वो उत्कृष्ट कॉलेज में ले लिया गया है और इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपया उस डिग्री कॉलेज को सरकार की ओर से दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज। साथ में हमने प्रश्न लगाए थे देहरा से, आपका फैसला टीवी के लिए लोकेश राणा की रिपोर्ट।